StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। ना ये दोनों ही एक्ट आपके सोशल सिक्योरिटी के लेजिस्लेशन हैं और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आपको इस सेशन की पीपीटी चाहिए या नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन या फिर सेशन, तो यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली सेम यूजर नेम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। सो यू कैन रीच मी आउट इन केस ऑफ एनी डाउट एंड फॉर कलेक्शन ऑफ द पीपीटीज और द कंटेंट व्हिच आई एम यूजिंग इन द क्लास यू कैन रीच मी आउट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। नाउ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्टडी आईक्यू आपको प्रोवाइड करता है यूपीएससी का ईपीएफओ का कोर्स और इस ईपीएफओ के कोर्स में हम कवर अप करते हैं दोनों ही पोस्ट का सिलेबस, चाहे वो आपका ईयू या फिर एओ हो या फिर एपीएफसी एग्जामिनेशन हो। तो इन दोनों ही एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस है वो हमने कवर अप करा है हमने इस क्रैश कोर्स में। और इस क्रैश कोर्स में आपको लिमिटेड टाइम में ही आपका पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। सो इस क्रैश कोर्स के जरिए एज वी ऑल नो कि टाइम बहुत कम है, तो आप अपने कम टाइम में लाइव क्लासेस को अटेंड करके या कुछ क्लासेस अपने कन्वीनियंस से देखकर आप अपने पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई प्रिज्यूम कि बहुत सारे बच्चों का जीएस वाला पार्ट तो कवर अप होगा ऑलरेडी बिकॉज दे माइट बी अपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और अगर नहीं भी है तो भी हम यहाँ पे जीएस का मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं आपको सारा। नॉन जीएस पार्ट के लिए स्पेशली जिन बच्चों का जीएस प्रिपेयर है वो लाइव क्लासेस में आके अपनी डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टेड लर्नर फैकल्टीज से। जो भी डाउट है वो लाइव क्लास में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, वहीं पे देन एंड नाउ सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम में अपने पूरे सिलेबस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर सकते हैं। सो अगर आपको अपने आप को एनरोल करना है इस पर्टिकुलर कोर्स में, इस क्रैश कोर्स में, तो आपको करना क्या है, आपको कूपन कोड लगाना है श्री लाइव, जिस कोड से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे श्री लाइव, वैसे ही आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 3,999 रुपए का, जिसमें आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं अगर आप टारगेट कर रहे हैं ईपीएफओ के एग्जामिनेशन को। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज योर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। अब ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है। द मोमेंट सोशल सिक्योरिटी हमारे दिमाग में आया तो हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात करता है, ये पूरा एक्ट किसकी बात कर रहा है, एम्प्लॉइज की बेनिफिट और वेलफेयर की बात कर रहा है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो आपने भी कई बार सुना होगा या अपने पेरेंट्स को देखा होगा या फिर अपने कोलीग्स को, या अगर आप खुद भी जॉब कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सैलरी से पीएफ कटता है। नाउ सैलरी से जो पीएफ कट रहा है दैट इज व्हाट, कि जब आप रिटायर होंगे या जब आप अपनी एग्जिट लेंगे अपने एम्प्लॉयमेंट से तो आपको वो अमाउंट दे दिया जाएगा, वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपने भी किया है और एम्प्लॉयर ने भी किया है। आपका जो पीएफ कटता जा रहा है आपके अकाउंट में, वो फंड इकट्ठा होता जा रहा है एंड एट लास्ट आपको वो लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। तो वो किस लिए है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपका एक बेटर फ्यूचर रहे, आगे आप अपनी एक डिसेंट लाइवलीहुड मेंटेन कर सके। दैट इज वाई ऐसा किया जाता है, दैट इज वाई ये फंड क्रिएट किया गया है, दैट इज वाई ये एक्ट किया गया है, बनाया गया है, ताकि एम्प्लॉयज का बेटर फ्यूचर रहे, राइट। तो यहाँ पे ये स्टैटरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है उन सारे एम्प्लॉयज को जो इंडिया में काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये एक्ट एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द इंडिया। तो इंडिया में किसी भी कोने में हो, अगर आप जिस एस्टैब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, जो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर वो फॉल करता है इस पर्टिकुलर एक्ट में तो फिर उस पर भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा, राइट। तो ये पैन इंडिया एप्लीकेबल है। नाउ अब यहाँ पे एक जो फंड बनाया दैट इज योर ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इस फंड को एडमिनिस्टर और मैनेज कौन करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये इसको एग्जामिन और पूरा मैनेजमेंट इस पूरे फंड का, इस पूरे फंड में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है सीबीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसका मैनेजमेंट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन करता है इस फंड का। नाउ इस सीबीटी को कौन स्टैब्लिश करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस सीबीटी को स्टैब्लिश करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को स्टैब्लिश करता है। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के साइड से, एम्प्लॉयर के साइड से और एम्प्लॉय के साइड से, यहाँ पे इस बोर्ड में मेंबर्स होते हैं, राइट। नाउ जो ये आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, असिस्ट करता है इस सीबीटी को, इस बोर्ड को उसकी एक्टिविटीज में, राइट। तो एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना, जो ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है तो इस फंड को एडमिनिस्टर और मैनेज करता है आपका सीबीटी, और ये सीबीटी बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, और यहाँ पे मेंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर साइड से, और एम्प्लॉय साइड से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और आपका जो EPFO है, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन इस बोर्ड को हेल्प करता है उसकी एक्टिविटीज में, असिस्ट करता है उसकी एक्टिविटीज में, राइट। नाउ ईपीएफ जो है एक वेलफेयर स्कीम है जो प्रोवाइड करी जा रही है सारे एम्प्लॉयज को ताकि उनका एक बेटर फ्यूचर रहे, राइट। इट इज अ स्टैट्यूटरी बेनिफिट, स्टैट्यूट द्वारा बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज को अवेलेबल कराया गया है ये बेनिफिट, कब, जब वो रिटायर करते हैं या जब वो एग्जिट लेते हैं अपनी सर्विस से, जब वो अपनी सर्विस को छोड़ रहे होते हैं तब, या फिर जब वो रिटायर कर जाते हैं। नाउ इन केस अगर डिजीज एम्प्लॉय है, मान लो अगर एम्प्लॉय है जो वो मर गया है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो फंड है, जो बेनिफिट है, वो उसके डिपेंडेंट्स को मिलता है, इस पर्टिकुलर केस में अगर आपका एम्प्लॉय मर जाता है तो, राइट। नाउ अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम Both the employer and the employer contributes. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि जो ये आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम है, इस स्कीम में सिर्फ एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं कटती है, एम्प्लॉय की तरफ से ही PF नहीं जाता है, बट एम्प्लॉयर भी इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो फिर उनको जब वो रिटायर करते हैं तो वो उनको उनका अमाउंट वापस कर दिया जाता है, राइट। नाउ यहाँ पे कहता है कि जो अमाउंट है, ठीक है, अगर आपने कुछ सर्टेन कंडीशंस जो प्रिस्क्राइब्ड हैं इस एक्ट में उसको फुलफिल कर दिया है, तो जो अमाउंट है उसके साथ साथ उस मेंबर को, उस स्कीम के मेंबर को भी इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, राइट। तो इंटरेस्ट भी अर्न करता है उस अमाउंट पे, वो अमाउंट उसके साथ वो इंटरेस्ट, तब जब वो सर्टेन कंडीशंस जो इस एक्ट में प्रोवाइड कर रखी हैं वो अगर वो मेंबर उस EPF का स्कीम का फुलफिल कर देता है तो उसको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है उस पर। नाउ ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे होगा, तो ये कहता है कि ये एक्ट एप्लीकेबल होता है हर एस्टैब्लिशमेंट पे, फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री जो एंगेज्ड है और जो स्पेसिफाइड है आपकी Schedule 1 में इस एक्ट के, जहां पे कम से कम 20 या फिर 20 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, राइट, या फिर किसी दूसरे एस्टैब्लिशमेंट्स पे या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पे जहां पे 20 या 20 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, जो स्पेशली स्पेसिफाई करी गई है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये उन एस्टैब्लिशमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होता है जिन एस्टैब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और उसको स्पेशली स्पेसिफाई किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एक बार ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, उसके बाद जो एम्प्लॉयड मेंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं 20 से, तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेंबर कम हो गए, आज 20 थे, ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, कल को 18 हो जाएंगे अगर उसमें, तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल ही रहेगा, अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया है तो। अगर ड्रॉप डाउन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है बिलो द स्पेसिफाइड नंबर, 20 नंबर दे रखा है उससे कम हो जाता है, तो भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल रहता है। नाउ ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा, तो ये उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे एप्लीकेबल नहीं होता जहां पे 50 से कम लोग काम कर रहे हैं बिना पावर के हेल्प के, ठीक है, विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना पावर की हेल्प के किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर 50 लोग से कम काम कर रहे हैं तो उस पे आपका EPF एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। एट द सेम टाइम कोई न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट है, अगर कोई नया एस्टैब्लिशमेंट बना है तो इनिशियली 5 साल तक उस पे आपका EPF एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। तो इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तक उस पे एक्ट एप्लीकेबल आपका नहीं होता। तीसरा कहता है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके अपने ही PF के रूल्स हैं, उनके पास अपनी PF के स्कीम्स हैं, तो पर्टिकुलर केस में ये PF एक्ट आपका उस एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कहता है एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट हैविंग इट्स ओन स्कीम, जिसकी अपनी खुद की स्कीम है PF को लेकर, उस पे ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, राइट। नाउ देयर आर 3 स्कीम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए भी। तो सबसे पहली स्कीम क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, दूसरी स्कीम है आपकी पेंशन स्कीम, और तीसरी स्कीम है आपकी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम। नाउ सबसे पहले देखो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, the purpose is to provide benefit to the पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम द्वारा, ठीक है, जो आपको रिटायर करने के बाद आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो दैट इज अंडर विच स्कीम, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। नाउ नेक्स्ट स्कीम इज एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ठीक है। अब पेंशन स्कीम 1995, द पर्पस इज फॉर प्रोवाइडिंग द सुपरएन्युएशन पेंशन रिटायरिंग पेंशन एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। तो यहाँ पे आपको इस स्कीम में बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आपने सुपर एनुएशन एज अटेन कर ली है, या फिर आप रिटायर हो गए हो उसकी पेंशन, या फिर अगर आप टोटली तरीके से डिसेबल्ड हो गए हो तो उसका पेंशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम में प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट स्कीम इज एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, और इसका पर्पस ये है कि मान लो अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि इन केस जहां पे एम्प्लॉय जो है मर गया है जब वो सर्विस में ही है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, जब वो सर्विस में है उसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है उसकी फैमिली मेंबर को इन केस डेथ हो जाती है वाइल इन सर्विस। राइट नाउ सबसे पहले अब हम देखेंगे कि स्कीम में कौन कौन लोग कवर होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, फ्री में काम नहीं कर रहा है, राइट, और किसी भी तरीके का काम कर रहा हो, चाहे वो मैनुअल हो, क्लर्कल हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, तो कोई भी काम कर रहा है मैनुअल और अदरवाइज, किसके कनेक्शन में वो काम कर रहा है, विद द वर्क, इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, हु गेट्स हिज वेजेस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और जो वो काम कर रहा है उसके बदले में उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर से। और यहाँ पे कहता है ये फर्दर इंक्लूड करता है कौन से लोगों को, जो पर्सन एम्प्लॉयड है या तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, दैट मीन्स कि अगर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है वो भी पर्सन आपका इस एक्ट में फॉल करेगा, तो वो पर्सन जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट किया गया है वो भी एप्लीकेबल, उस पे भी ये एप्लीकेबल होगा एक्ट। दूसरा कहता है कोई अप्रेंटिस जो अपॉइंट किया गया है बट वो अप्रेंटिस आपका अप्रेंटिस एक्ट में अपॉइंट ना किया गया हो और ना ही स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में अपॉइंट किया गया हो, इन दोनों एक्ट में अगर अपॉइंट किया गया है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज अप्रेंटिस पे जो ट्रेनी होता है उस पर एप्लीकेबल होगा। नाउ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का ये प्रोविडेंट फंड? तो यहाँ पे उन्होंने एक वेज लिमिट लगा दी है और वो वेज लिमिट है 15,000 रुपए की। तो जो लोग 15,000 रुपए कमाते हैं, जिनकी सैलरी पर मंथ, जिनके वेजेस पर मंथ 15,000 रुपए हैं, उन पे ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा एज अ जनरल रूल। तो जनरल रूल ये है कि 15,000 रुपए जो लोग कमा रहे हैं, 15,000 या 15,000 रुपए से कम जो लोग कमा रहे हैं उन पे ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा। नाउ इट इज क्लियरली रिटन हियर दैट द एम्प्लॉइज हुज पे इज मोर देन 15,000 पर मंथ इज नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन दी प्रोविडेंट फंड, वो एलिजिबल नहीं है प्रोविडेंट फंड को ज्वाइन करने के लिए, राइट। हाउएवर अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जनरल रूल क्या हमने देखा कि जिनकी सैलरी 15,000 या 15,000 रुपए से कम है वो एलिजिबल है ज्वाइन करने के लिए प्रोविडेंट फंड, बट जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है वो ज्वाइन कर सकते हैं इस फंड को, बट इन दैट पर्टिकुलर केस उनको परमिशन लेनी होती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से, और साथ में एम्प्लॉयर भी एग्री करे, तो एम्प्लॉयर एग्री करे, एम्प्लॉय एग्री करे, और उसके बाद उसको परमिशन भी लेनी है असिस्टेंट कमिश्नर से, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से, तो ही फिर जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उस पर ये जो है एप्लीकेबल होगा, वो एलिजिबल होगा ज्वाइन करने के लिए इस फंड में, उस केस में जहां पे 15,000 रुपए से सैलरी ज्यादा है, राइट। नाउ हाउएवर एन एम्प्लॉय हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी मोर देन 15,000 rupees can become a member, वो member हो सकता है प्रोविडेंट फंड का with the permission of assistant provident fund commissioner if he and the employer his employer agrees, अगर वो और उसका एम्प्लॉयर एग्री करता है और उसने परमिशन ले ली है तो वो पर्सन जिसकी 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है वो भी ज्वाइन कर सकता है इस फंड को। हाउएवर इन सच केस द प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी एज पर 15,000 पर मंथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी आपकी जितनी भी है, मान लो 25,000 है, मान लो 20,000 रुपए है, बट जब हम कैलकुलेट करेंगे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से, तो हम वो वेज लिमिट है वो 15,000 ही लेंगे, मान के चलेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 25,000 रुपए कमा रहे हो या 30,000 रुपए कमा रहे हो, आपने परमिशन ले ली तो जब हम कैलकुलेट करेंगे ना कंट्रीब्यूशन, अभी हम आगे देखेंगे, तो वो जो वेज लिमिट है उसको हम 15,000 ही मान के चलेंगे इन केस जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। जिनकी सैलरी 15,000 है तो 15,000 मानेंगे, जिनकी सैलरी कम है तो वो कम वाला मानेंगे कैलकुलेट करने के लिए, बट जिनकी सैलरी ज्यादा है उनके लिए 15,000 ही हम मानेंगे। क्लियर? एन एम्प्लॉय सीज टू बी अ मेंबर ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कि भाई एज रिटायरमेंट के बाद वो उसका मेंबर नहीं रहता, वो रिटायर हो जाता है, उसको पैसा दे देते हैं, उसको वो मेंबर नहीं रहता उस प्रोविडेंट फंड का। नाउ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम सबसे पहली स्कीम हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इस एक्ट की मेन स्कीम है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे कहता है कि एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम दी सैलरी। अब यहाँ पे जो ये पीएफ है ये एम्प्लॉय की सैलरी से एम्प्लॉयर डिडक्ट कर देता है और फिर एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय की सैलरी जो डिडक्ट किया है वो दोनों पार्ट मिला के फंड में डाल देता है, राइट। कैसे डालता है? थ्रू चालान या फिर अप्रूव बैंक्स वो सबमिट कर देता है। नाउ एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट मिलता है इंक्लूडिंग द सेल्फ एंड द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट ऑन रिटायरमेंट। जब वो रिटायर करता है तो उसको ऑन इंटरेस्ट ये अमाउंट दे दिया जाता है, जो उसने दिया है कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो, और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे वो रिटायर करता है उस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट और वो अमाउंट उसके रिटायरमेंट में उसको दे दिया जाता है। नाउ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। अब यहाँ पे कहता है कि 12% देना है दोनों को, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, राइट। तो 12% ऑफ बेसिक पे, बेसिक वेजेस, डीएनएस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस, तो इन तीनों चीजों का आपको 12% देना होगा। किसको देना होगा? एम्प्लॉय को देना होगा और एम्प्लॉयर को भी देना होगा, राइट। और कंट्रीब्यूशन दोनों का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, इज सेम, दैट इज 12% ईच। ये कह रहा है कि उसको भी 12% देना है, उसको भी 12% का कंट्रीब्यूशन करना है उस फंड में, जिस पीएफ फंड में। नाउ एन एम्प्लॉय कैन वॉलंटियरली पे एक्स्ट्रा अमाउंट, वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉय अगर चाहे तो। अगर मान लो एम्प्लॉय कह रहा है नहीं मेरे 18% डिडक्ट करो, तो कोई बात नहीं, डिडक्ट हो जाएंगे वो। बट उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर पे ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एम्प्लॉय के जो जितना परसेंट एम्प्लॉय कटवा रहा है उसको वो मैच करे। स्टैट्यूटरी रेट यहाँ पे सेट कर रखा है 12%, तो 12% एम्प्लॉयर दे, एम्प्लॉय दे, दैट इज डन, ठीक है। बट अगर एम्प्लॉय चाह रहा है कि जो ज्यादा देना है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो भी उसको मैच करे कि नहीं, अगर एम्प्लॉय 18 दे रहा है तो उसको भी 18 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो 12 ही देगा या 18 दे सकता है। हाउएवर द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू मैच द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अब और ओवर दी स्टैट्यूटरी रेट। तो जो स्टैट्यूटरी रेट 12% है उसके ऊपर देने की एम्प्लॉयर को जरूरत नहीं है। नाउ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज, इसमें से एम्प्लॉयज कौन से एक्सक्लूडेड है? सबसे पहले वो एम्प्लॉयज एक्सक्लूडेड है जिसने विड्रॉ कर लिया है पूरा अपना अमाउंट, राइट। दूसरा कहता है एम्प्लॉय हु पे एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट, जिसकी 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है, वो एक तरीके से एक्सक्लूडेड है अनलेस और अनटिल वो परमिशन ले लेता है। और तीसरा है आपका अप्रेंटिस, जो अगर अप्रेंटिस एक्ट में अगर अपॉइंट किया गया है तो वो अप्रेंटिस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्कीम, दैट इज एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या बताया कि जो ईपीएफ है, जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, स्कीम के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस पेंशन स्कीम के मेंबर हो जाते हैं। तो जो मेंबर आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के हैं वो मेंबर ऑटोमेटिकली इस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के भी मेंबर हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एक ही स्कीम में, दैट इज योर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। रेस्ट दोनों स्कीम में एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करवाया जाता, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है, ये कहता है कि एम्प्लॉयर्स पी एफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज डाइवर्टेड, Employees' contribution of 8.33% is diverted to the fund of pension scheme and balance of 3.67% is credited in the provident fund account. क्या कहता है? मैंने ये बताया आपको कि 12% देना होगा दोनों को, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर का 12% है उसको आगे डाइवर्ट कर दिया है। कैसे डाइवर्ट कर दिया है कि 8.33% जाएगा आपका पेंशन स्कीम में और जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज 3.67% ये जाएगा आपका पीएफ अकाउंट में। तो 12% ऑफ बेसिक पे डीए और आपका आरए दैट इज योर रिटेनिंग अलाउंसेस, इनका 12% जो है जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का आपका 8.33% जाएगा इस पेंशन स्कीम में और बाकी आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो जाएगा प्रोविडेंट फंड में। और ये जो डाइवर्जन किया गया है, जो डाइवर्ट किया गया है परसेंटेज 12% में से ही है। और दूसरी बात, एम्प्लॉय को ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सारा काम कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉय डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट ठीक है, आपका जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है इस पर्टिकुलर स्कीम में। एम्प्लॉय डू नॉट कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय डज नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। बस ये बात ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि जो वो 12% एम्प्लॉयर दे रहा है उसको आगे डाइवर्ट कर दिया गया है अलग अलग इस स्कीम में और वो स्कीम में। अल्टीमेटली दोनों पैसा मिलना किसको है, एम्प्लॉय को ही मिलना है। वो पेंशन में कब वो दिया जाता है, जब सुपर एनुएशन एज हो जाती है, रिटायरमेंट पेंशन होती है, और तीसरी होती है आपकी कि अगर आप टोटली डिसेबल्ड हो गए हो, परमानेंट डिसेबल्ड हो गए हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पेंशन दी जाती है। राइट, नाउ मेंबर ऑफ द स्कीम विल गेट द पेंशन और सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस और डिसेबलमेंट ड्यूरिंग सर्विस, की भाई डिसेबल्ड हो गए हो तो आपको मिलेगी। नाउ किसको ये पेंशन मिलेगी, तो ये पेंशन मिल सकती है फैमिली मेंबर्स को। फैमिली पेंशन विल बी अवेलेबल टू विडो विडोअर फॉर लाइफ अंटिल शी और ही रीमैरिज। तो अभी कहता है कि विडो को मिलेगी। अब मान लो उसका हस्बैंड जो है सर्विस के दौरान मर गया है, तो उसकी जो पत्नी विडो हो गई है उसको मिलेगी, बट तब तक मिलेगी जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है। अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो फिर उसको नहीं मिलेगी ये पेंशन। बच्चे को मिलेगी टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो जो पर्सन मरा है, जो डिजीज पर्सन है, वो अनमैरिड है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो नॉमिनी को दी जाएगी। ठीक है, जिसका भी नॉमिनी, जिसका भी नाम लिखा होगा उसने, उसको ये दी जाएगी, नॉमिनी को दी जाएगी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज आपका डिपॉजिट लिंक स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम। नाउ अगेन ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली। यहाँ पे भी एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जनरल सी बात। राइट, ये एक लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट है। एम्प्लॉयज ऑलरेडी कवर्ड अंडर द प्रोविडेंट फंड और योर पेंशन स्कीम, वो यहाँ पे कवर होते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर द्वारा, और जो ये एम्प्लॉयर है उसको पे करना होता है कंट्रीब्यूशन, बहुत ही थोड़ा सा, दैट इज योर 0.5% ऑफ टोटल वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट इज 0.1% ऑफ द टोटल वेजेस आर ऑल्सो पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये सारे जो चार्जेस हैं ये एम्प्लॉयर ही पे करता है। एम्प्लॉय का यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नहीं, अमाउंट ऑफ क्लेम, अगर इन केस एम्प्लॉय जो है मर जाता है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो उसको मैक्सिमम जो इंश्योर्ड बेनिफिट है, या कह लो आपकी अश्योर्ड बेनिफिट है, जो मैक्सिमम दैट विल बी 7 लाख रुपीज, और मिनिमम कितना होगा 2.5 लाख रुपीज। बट उस पर्टिकुलर केस में उसने कंटिन्यूस उस एम्प्लॉयमेंट में कम से कम काम किया हो 12 महीने। ठीक है, 12 महीने काम किया हो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम अश्योर्ड बेनिफिट है दैट इज अप टू 7 लाख रुपीज। ठीक है, जो पे किया जाएगा नॉमिनी को या फिर लीगल हायर को उसके, अगर उसकी डेथ हो जाती है वाइल ही इज इन सर्विस। राइट, और दूसरा कहता है कि मिनिमम अश्योर्ड बेनिफिट क्या है, सबसे कम है, दैट इज 2.5 लाख रुपीज इन केस द डिजीज मेंबर वाज इन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 12 मंथ, कि वो कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट में है पिछले 12 महीने से उस पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट में, तो उसको मिनिमम जो है 2.5 दिया जाएगा और मैक्सिमम 7 लाख रुपीज अश्योर्ड बेनिफिट दिए जाएंगे। नाउ इस एक्ट में एडमिनिस्ट्रेशंस कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कौन सी हैं, तो यहाँ पे कहता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में या इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरिड आउट करने के लिए कुछ यहाँ पे बोर्ड्स बनाए गए। तो आपका एक सेंट्रल बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, रीजनल कमेटी हो गई, एक चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो अपॉइंट और कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इन सारे बोर्ड्स एंड अथॉरिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बेसिकली देखते हैं कि क्या कंप्लाई हो रहा है प्रॉपर तरीके से प्रोविजन इस एक्ट के या फिर नहीं। अब एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लें, ईपीएफओ के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कहता है ये एक्ट और सारे इसकी स्कीम्स ये एडमिनिस्टर होते हैं बाय अ ट्राइपार्टाइट बोर्ड, दैट इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसको मैनेज करती है, एडमिनिस्टर करती है, मैंने आपको इनिशियली बता दिया था। और ये ट्राइपार्टाइट बोर्ड है, मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट, यहाँ पे है एम्प्लॉयर और यहाँ पे है एम्प्लॉय। ठीक है, 3 पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। नाउ इट हैज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, और साथ में एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। नाउ द बोर्ड इज चेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑपरेट्स 3 स्कीम्स, और यही तीनों स्कीम्स को ऑपरेट करता है। राइट, नाउ कुछ पेनल्टीज जो इस एक्ट में दे रखी है, ये कहता है ही फॉर अवॉइडिंग एनी पेमेंट हुएवर नोइंगली मेक्स और कॉजेस टू बी मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कोई भी पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी जो 1 साल से कम की नहीं होगी, और फाइन होगा 5,000 रुपए या फिर दोनों। एंड इन केस एम्प्लॉयर जो कंट्रावेंट करता है इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन से, या फिर जो कोई डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, या फिर इंस्पेक्शन चार्ज पे करने में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पे करने में, उस पर्टिकुलर केस में 1 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का फाइन होगा। मैक्सिमम जो पनिशमेंट दी जाती है इस पर्टिकुलर एक्ट में दैट इज 3 years और दूसरे केसेस में 6 महीने और 5,000 रुपए तक का फाइन दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ईपीएफ एक्ट दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट। आई होप कि तीनों स्कीम्स आपको समझ में आई होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एक्ट दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। अगेन जैसे आपका ईपीएफ एक्ट है उसी तरीके का होता है आपका ये ग्रेट्युटी एक्ट। अब जो ये ग्रेट्युटी वर्ड है ये आया है आपका ग्रेटिट्यूड से, राइट? तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्ट है ये भी एक तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। अगेन सोशल सिक्योरिटी के लेजिस्लेशन में फॉल करता है ये एक्ट, तो ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वेलफेयर की बात करता है एम्प्लॉयज़ की, और यहाँ पे एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को ताकि वो अपनी लाइफ को, फ्यूचर लाइफ को अच्छे से बिता सके, राइट? लाइवलीहुड को अच्छे से मेंटेन कर सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ जी सके आफ्टर दी रिटायरमेंट। नाउ ग्रेट्युटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है कि भाई आपने बहुत ही शानदार काम किया, आप बहुत लॉयल थे, आपने बहुत हार्डवर्क किया और आपने काफ़ी लंबे टाइम से एम्प्लॉयर के अंडर बैठ के काम किया है, लॉयल्टी दिखाई है आपने, तो उसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करता है, ग्रेट्युटी देता है, राइट? एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट यू कैन से कि हाँ भाई ये अमाउंट, एक लमसम अमाउंट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ काम किया, लॉयल्टी से काम किया, हार्डवर्क किया एम्प्लॉय के साथ, तो हम आपको ये पैसा लमसम अमाउंट दे रहे हैं, राइट? सो ग्रेट्युटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट like the provident fund or pension you can say, but unlike pension, but like provident fund it is a lump sum amount of money, ठीक है? इट्स अ lump sum payment to which the employee become entitled after rendering long service, ठीक है? अगर आपने बहुत ही शानदार long service दी है वहाँ पे एम्प्लॉयर के अंडर रहकर और लॉयल्टी से काम किया है, हार्डवर्क किया है, तो आपको ये मिलता है, ये पैसा मिलता है। नाउ इट इज पेड ऑन सुपर एनुएशन या फिर डेथ हो जाती है तो, या फिर डिसेबलमेंट हो जाती है, अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है तो आपको ये पैसा मिलता है, या फिर आप जब रिजाइन करके जाते हो तब आपको ये पैसा दिया जाता है, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन आफ्टर रेंडरिंग सर्विस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जब स्पेसिफाइड पीरियड की आप सर्विस पे करते हो दैट इज कि आपने बहुत मतलब बहुत लंबे असर से काम किया आपने एम्प्लॉय के साथ, तभी आपको ये ग्रेट्युटी मिलती है। इसका बेसिक सा फंडा ये है कि इस ग्रेट्युटी एक्ट में एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम 5 साल आपने उस एम्प्लॉयर के साथ काम किया हो, आपने लॉयल सर्विस दी हो, राइट? इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी द मिनिमम टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी 5 years। तो कम से कम आपने 5 साल आपने वहाँ पर उस एम्प्लॉयमेंट में काम किया हो, ठीक है? तो इंडिया में जितनी भी ग्रेट्युटी से रिलेटेड पेमेंट है वो गवर्न होती है इस पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट से ही, और इट इज अ सोशल सिक्योरिटी इनैक्टमेंट जो प्रोवाइड करता है फॉर द वेलफेयर बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इस एक्ट को अमेंड भी किया गया है रिसेंटली। नाउ लेट्स सी कि किस पे ये एप्लीकेबल होता है ये पर्टिकुलर एक्ट आपका। तो ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होता है सारी फैक्ट्रीज पे, सारी माइनिंग्स पे, प्लांटेशन पे, पोर्ट्स पे, रेलवे कंपनीज पे, शॉप और स्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे कम से कम 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, राइट? नाउ किसी भी स्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी तो। और एक बार जब ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है तो इवन दो जो नंबर है एम्प्लॉयज का वो कम हो जाएगा, फिर भी ये एक्ट कंटिन्यू करेगा उस पर अप्लाई होने के लिए, ठीक है? उस पर एप्लीकेबल होता रहेगा वो एक्ट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म एम्प्लॉय एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट? तो यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताई है दैट एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, ठीक है? अप्रेंटिस इज नॉट कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन एम्प्लॉय के, हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, वेजेस के लिए एम्प्लॉय किया गया है, वेदर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड इन एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल हो या फिर क्लरिकल हो या फिर स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, ऑयल फील्ड, रेलवे कंपनी, पोर्ट, शॉप और अदर एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस पर्टिकुलर एक्ट अप्लाइज, ठीक है? तो जहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होता है तो वो पर्सन जो जहाँ पे इन जगहों पे एम्प्लॉयड है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय कह रहे हैं, बट इसमें आपका अप्रेंटिस नहीं आता है। नाउ यहाँ पे कह रहा है कि ये एक्ट किस पे इंक्लूड नहीं होगा, ये कह रहा है जो भी कोई पर्सन होल्ड करता है पोजीशन या कोई पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में और वो गवर्न होते हैं अपने रूल्स द्वारा, तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के के लोगों ने अपने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ही रूल्स बना दिए हैं ग्रेट्युटी के, तो उसी से गवर्न होंगे, राइट। टीचर्स को भी कवर किया गया है इस डेफिनेशन में एम्प्लॉय के। तो अब जो है इसका जो रिसेंट चेंज आया है ट्रेंड में, दैट इज कि टीचर्स को कवर अप किया गया है इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। नाउ व्हाट यू विल कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सर्विस। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि इस एक्ट में एक एम्प्लॉय को एलिजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि भाई कम से कम उसने मिनिमम 5 साल उस काम किया उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में, और वो काम आपका कंटिन्यूअस काम होना चाहिए। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कंटिन्यूअस सर्विस मीन्स एन अनइंटरप्टेड सर्विस ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, कि उसकी सर्विस इंटरप्टेड नहीं थी, मतलब किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं थी उस पर्टिकुलर सर्विस में जब वो सर्विस कर रहा था उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें बता दी कि इनको आप इन सारी चीजों को आप इंटरप्टेड सर्विस नहीं मानोगे, मतलब ये ऐसा माना जाएगा कि सर्विस इंटरप्ट नहीं हुई है। एन एम्प्लॉय शैल बी सेड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस को माना जाएगा कि आपने कंटिन्यूअस सर्विस की है, इवन इफ हिज सर्विस इज हिज और हर सर्विस इज इंटरप्टेड बाय सिकनेस। अगर वो बीमार पड़ गई तो ये नहीं माना जाएगा कि कंटिन्यूअस सर्विस नहीं थी, ये माना जाएगा कि कंटिन्यूअस सर्विस थी, राइट। एक्सीडेंट हो जाता है तो कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी, अगर आप छुट्टी भी जाते हो तो कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव तो आपका ये माना जाएगा कि कंटिन्यूअस सर्विस है, आपने लीव ली है विद फुल वेजेस तो भी आपका माना जाएगा कि आपने कंटिन्यूअस सर्विस दी है, राइट। नाउ टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर में यही माना जाएगा कि कंटिन्यूअस सर्विस थी। अगर आपको ले ऑफ किया जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तो उस पीरियड को आप ये नहीं मानोगे कि आपकी सर्विस इंटरप्ट हो गई है, ऐसा नहीं है, ऐसा माना जाएगा कि कंटिन्यूअस ही सर्विस है, राइट। अगर मैटरनिटी लीव ली है 26 वीक्स की तो भी यहाँ पे माना जाएगा कि कंटिन्यूअस सर्विस है। तो इन सारे ग्राउंड्स पे ये नहीं माना जाएगा कि आपकी सर्विस इंटरप्ट हुई है, इसको हम कंटिन्यूअस सर्विस ही मान के चलेंगे, राइट। नाउ इन केस ऑफ 1 ईयर पीरियड ऑफ 1 ईयर आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप देखो एग्जामिनेशन में आपसे कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, बट यू मस्ट नो इट। अब यहाँ पे एक बेसिक सी बात समझो कि अगर मान लो आपने टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है आपका, फॉर एग्जाम्पल 6 years 8 months, तो हम इसको पता है क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे 7 years। ये जो 8 मंथ है उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो आपकी जो सर्विस है वो 8 years 4 months है तो हम क्या मानेंगे, 6 years की सर्विस मानेंगे टोटल कैलकुलेशन के टाइम पे। दिस इज व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर क्लियरली कि जब आप 1 ईयर कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करनी है कि भाई एक एम्प्लॉय की 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, तो ये ईयर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये कहता है कि एम्प्लॉय विल बी ट्रीटेड एज एन कंटिन्यूअस सर्विस इफ ही इज एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉयर फॉर अ पीरियड ऑफ 190 डेज इन केस ऑफ माइंस। पहली बात तो अगर किसी पर्सन ने 190 दिन काम किए हैं और उसका जो नेचर है एम्प्लॉयमेंट का वो काम कर रहा है माइंस वगैरह में, राइट। तो अगर माइंस वगैरह में काम कर रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे, अगर उसने 190 दिन काम किए हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, उसने 1 साल काम किया है, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसी स्टैब्लिशमेंट है जो 6 दिनों से कम काम करती है, विच वर्क लेस देन 6 days इन अ वीक, एक वीक में वो 6 दिनों से कम काम करती है, तो वहां पे कोई भी एम्प्लॉय अगर 190 दिन काम करता है तो हम ये मानेंगे उसकी कंटिन्यूस सर्विस है 1 साल की, उसकी 1 साल की सर्विस पूरी हो गई 190 डेज में, राइट। और अदर स्टैब्लिशमेंट्स में आपको 240 डेज मान के चलने होंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज कंपनीज में अगर किसी एम्प्लॉय ने 240 डेज काम किया है दैट मीन्स उसने पूरे 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस आपको प्रोवाइड करी है, राइट। नाउ इन केस ऑफ 6 months, 6 months को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 6 months के केस में यहाँ पे बताया कि जो भी आपका 1 ईयर है उसका हाफ कर देंगे, तो 190 का हाफ हो गया आपका 95 डेज और 240 डेज का आपका हाफ हो गया 120 डेज। तो 95 डेज 6 महीने कैसे कैलकुलेट करोगे कि 6 महीने आपके हो गए या नहीं हो गए। तो अगर आपने 6 महीने में 95 डेज काम किया है इन केस ऑफ माइंस या फिर ऐसी स्टैब्लिशमेंट में जहां पे 6 दिन से कम काम कराया जाता है एक वीक में, तो 95 डेज आपने काम किया है, माना जाएगा कि आपने 6 महीने की सर्विस कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करी है। सिमिलरली दूसरे स्टैब्लिशमेंट में अगर आपने 120 दिन काम कर लिया किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में, तो उस पर्टिकुलर केस में माना जाएगा कि आपने 6 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करी है। और दिस ऑल डे इज गोना हेल्प यू व्हाइल कैलकुलेटिंग दी ग्रेट्युटी। नाउ सीजनल एम्प्लॉयमेंट में क्या करेंगे, अगर मान लो कोई सीजनल स्टैब्लिशमेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे मानोगे कि भाई कंटिन्यूस सर्विस है या नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितने दिन भी वो सीजनल स्टैब्लिशमेंट चली उसका 75% डेज पर अगर काम किया है तो उसको हम क्या मानेंगे, आपका कंटिन्यूस सर्विस मानेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अगर मान लो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में जितने दिन भी वो चली, जितने दिन भी सीजनल रहा वो, मतलब मान लो 4 महीने चली, 6 महीने चली, जितने महीने भी चली, उस नंबर ऑफ डेज जितने टाइम पे वो ऑपरेशनल थी सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, उसके 75% डेज पे अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने काम किया है तो फिर उसका क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी। राइट, नाउ द अमाउंट ऑफ व्हेन टू पे दिस पर्टिकुलर ग्रेट्युटी, कब पे करनी होती है आपको ग्रेट्युटी। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो ग्रेट्युटी है ये पेबल होती है किसको, सुपरएनुएशन पे जब आपने एज अटेन कर ली है, या फिर रेजिग्नेशन पे, रिटायरमेंट पे, या फिर अगर आपको टर्मिनेशन हो गया है बिकॉज ऑफ डिसेबलमेंट, आप डिसेबल्ड हो गए फिर आप टर्मिनेट हो गए तो आपको मिलती है, या फिर डेथ हो गई है आपकी, वायलेंट सर्विस, तो आपको ये ग्रेट्युटी पे करी जाती है। नाउ ग्रेट्युटी जो पे होती है आपको तभी जब एम्प्लॉय कंप्लीट करता है, जब एम्प्लॉय कंप्लीट करता है कंटिन्यूस 5 ईयर की सर्विस, इजंट इट, कि यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे ग्रेट्युटी लेने का, कि 5 साल की आपने सर्विस कंप्लीट करी हो। बट इन केस ऑफ डिसेबलमेंट एंड डेथ, तो डिसेबलमेंट और डेथ के केस में मिनिमम 5 साल काम करने वाली बात जो है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट द कंडीशन ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होनी चाहिए वो यहाँ पे जरूरी नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है वो क्राइटेरिया इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबलमेंट। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी पेबल, कि कितनी अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी मिलेगी, ठीक है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे उस ग्रेट्युटी को। तो ये कहता है कि जो ग्रेट्युटी है वो पेबल होती है एट द रेट ऑफ 15 डेज ऑफ वेजेस। उसमें आपका डीए और बेसिक वेज आता है, जो भी आप लेटेस्ट सैलरी निकाल रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, उस लेटेस्ट सैलरी से का 15 डेज का वेजेस कैलकुलेट की जाती हैं फॉर एवरी कंप्लीट सर्विस, मतलब हर कंप्लीट ईयर सर्विस के हिसाब से उसमें कैलकुलेट किया जाता है। इन द लास्ट ईयर ऑफ सर्विस इफ द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड मोर देन 6 मंथ्स, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि अगर 6 साल 7 महीने काम किए तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं एज अ फुल ईयर, की पूरा साल काम किया तो उसको हम 7 साल मानते हैं, अगर 6 साल 4 महीने काम किया तो फिर उसको हम 6 साल ही मानेंगे। राइट, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो ग्रेट्युटी। नाउ इन केस ऑफ कैलकुलेशन, कि कैसे कैलकुलेट करना है आपको ग्रेट्युटी, तो ग्रेट्युटी इज इक्वल टू मंथली सैलरी, जो मंथली सैलरी है, इनटू 15 डेज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 15 डेज ऑफ वेजेस। राइट, तो यहाँ पे इनटू 15 डेज डिवाइडेड बाय 26। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक मंथ में हम 26 डेज लेके चल रहे हैं, 4 संडे को काट दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 26 डेज हो गया, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, कि कितने साल आपने काम किया, 6 साल काम किया, 7 साल काम किया, 8 साल काम किया, जो भी नंबर है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका ग्रेट्युटी का। आई वुड लाइक टू टेल यू कि एग्जाम में आपसे कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज यू कैन जस्ट नो इट, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रेट्युटी। तो मंथली सैलरी इनटू 50, जो आपका मैंने बताया कि 15 दिन लेने पड़ते हैं बेसिक पे के और आपके डीए के, ठीक है, 15 डेज वेजेस, वो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाय 26 इनटू नंबर ऑफ योर ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल आपने वहां पे काम किया है। तो मंथली सैलरी क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, 26 टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, और 15 क्या है, नंबर ऑफ डेज इन हाफ ऑफ द मंथ। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो अपनी ग्रेट्युटी को। नाउ सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी, ये कहता है कि एक सीलिंग अमाउंट लगा दिया कि भाई इतनी ही ग्रेट्युटी पे करेगा एम्प्लॉयर, और वो सीलिंग क्या है, 20 लाख रुपीज की। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इससे पहले 2010 में अमेंडमेंट से पहले यहाँ पे 10 लाख था, तो मैक्सिमम ग्रेट्युटी अमेंडमेंट से पहले क्या थी, 10 लाख रुपए, अमेंडमेंट के बाद अब क्या हो गई है, 20 लाख रुपए। तो ये कहता है इस एक्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम अमाउंट है ग्रेट्युटी का जो पे किया जाएगा एम्प्लॉय को, वो 20 लाख कर दिया गया है, अब पहले 10 लाख थी 2010 में। राइट, नाउ द अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी शुड नॉट एक्सीड 20 लाख, तो इस 20 लाख से ज्यादा ग्रेट्युटी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एंड इन केस कि एम्प्लॉयर को बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है, उसको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ही लॉयल सर्विस प्रोवाइड की थी, बहुत लंबे से टाइम से मेरे साथ काम कर रहा है और बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट दे सकता है, उसको 20 लाख से ज्यादा दे सकता है, बट हम उसको क्या कहेंगे, एक्स ग्रेटिया कहेंगे, ठीक है, एक्स ग्रेटिया उसको कहेंगे। राइट, नाउ फोर्थ फीचर ऑफ ग्रेट्युटी, अब ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर है वो फॉरफिट भी कर सकता है, वो आपका डिडक्शंस भी कर सकता है इस पर्टिकुलर ग्रेच्युटी से, या कैंसिल भी कर सकता है, फॉरफीट कर सकता है, वापस ले सकता है कुछ अमाउंट, चाहे पूरी तरीके से या फिर पार्शियल तरीके से, ऐसा एम्प्लॉयर कर सकता है। और वो कब करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो उसको टर्मिनेट किया गया है जानबूझ के, उसने कोई गलती करी है, विलफुल ओमेशन या फिर उसका नेग्लिजेंस है जानबूझ के, या फिर उसने कोई भी लॉस या डैमेज पहुंचाया है किसी भी प्रॉपर्टी को जो बिलोंग करती है एम्प्लॉयर को, तो उस पर्टिकुलर केस में वो फॉरफिट कर सकता है उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक डैमेज हुआ है या लॉस हुआ है। तो जितना भी लॉस हुआ है उस अमाउंट को वो डिडक्ट कर सकता है, किससे, ग्रेच्युटी से डिडक्ट कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है ग्रेच्युटी से। आगे कहता है कि मान लो सर्विस एम्प्लॉय की टर्मिनेट करी गई जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेवियर है उसका प्रेमाइसेस में, एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा वायलेंट तरीके से वो बिहेव कर रहा है उस तरीके से, या फिर कोई एक्ट कर रहा है कोई ऐसा ऑफेंस, या उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, तो उस पर्टिकुलर केस में, या फिर उसने ऐसा कोई भी, और वो जो पर्टिकुलर ऑफेंस किया है ना, जो ऐसा कोई एक्ट किया है जो कॉन्स्टिट्यूट होता है एज एन ऑफेंस, वो उसने किया है एम्प्लॉयमेंट में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अगर उसने ऐसा कोई एक्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर चाहे तो वो टोटल तरीके से भी उसकी ग्रेच्युटी को फोरफिट कर सकता है। राइट, इन सच केस ग्रेच्युटी में भी पेबल टू द एम्प्लॉय में भी होली और पार्शियली फोरफिटेड, तो यहाँ पूरी तरीके से भी या पार्शियल तरीके से फोरफिट की जा सकती है उसकी ग्रेच्युटी को। राइट, नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कह रहा है जो पर्सन टाइटल है ग्रेच्युटी लेने के लिए, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी एम्प्लॉयर को, उसको एक एप्लीकेशन राइटिंग में देनी होगी एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर फिर क्या करेगा, कैलकुलेट करके उसकी ग्रेच्युटी अमाउंट उसको जो है बता देगा कि भाई इतना अमाउंट हुआ, प्रोवाइड करेगा नोटिस राइटिंग में द कंसर्न एम्प्लॉय को, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एक नोटिस भेज देगा कि भाई ये हुआ है उसका ग्रेच्युटी का अमाउंट। नाउ जो ये अमाउंट है उसको पेबल होगा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट पेबल टू द एम्प्लॉय, 30 दिन के अंदर उसको मिल जाएगा ये। द फेलियर ऑफ पेमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट विल रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो अगर मान लो वो टाइम लिमिट के अंदर पे नहीं कर पाता है तो फिर उस पे सिंपल इंटरेस्ट भी लगने लगेगा। अब इस पर्टिकुलर एक्ट में जो अथॉरिटी है वो इंस्पेक्टर है, उसको हम पब्लिक सर्वेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, हम उसको आईपीसी के अंडर सेक्शन 21 के अंडर उसको पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। एट द सेम टाइम इसका काम क्या होगा, ये एग्जामिन कर सकता है, ये असर्टेन करेगा कि क्या इस एक्ट के पूरे प्रोविजंस को कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं, ठीक से एप्लीकेबल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं, और नेसेसरी स्टेप्स लेगा इंश्योर करने के लिए कि इस एक्ट के प्रोविजंस का प्रॉपर तरीके से फुलफिलमेंट हो। राइट, नाउ रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी, अगर मान लो एम्प्लॉयर डिले करता है पे करने में ग्रेच्युटी अमाउंट को, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उसके बाद भी वो अगर डिले कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी इशू करेगा एक सर्टिफिकेट, किसको, कलेक्टर को, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कलेक्टर को, ऑन बिहाफ ऑफ होम, ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, जिसका डिले हो रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है अमाउंट ग्रेच्युटी का, उसके बिहाफ पे वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कलेक्टर को रिकवर करने के लिए अमाउंट इंक्लूडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर उस पर्टिकुलर केस में अगर लिमिट से भी ज्यादा बियॉन्ड हो रहा है और पे नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और पे करेगा सेम पर्सन को जो एग्रीव्ड पर्सन है। राइट, नाउ यहाँ पे दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, दैट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो यहाँ पे उस एम्प्लॉयर को जो डिले कर रहा है पे करने में ग्रेच्युटी को, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई आओ तुम भी अपनी बात कहो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो ग्रेच्युटी अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। राइट, तो ये दोनों कंडीशंस हैं, उस पर्टिकुलर केस में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर ये बोला जाएगा कलेक्टर से कि वो रिकवर करे उस अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी को, और फिर वो ग्रेच्युटी का अमाउंट उस पर्टिकुलर पर्सन को दे दे जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको दे दे। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। सो हियर वी एंड बोथ दीज एक्ट्स, आई होप इट इज क्लियर। इफ एनी डाउट यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, एंड फॉर द सेशंस PPT or the notification of the next class, you can connect me on my this Telegram channel जिसका नाम है श्रीमी श्रीवास्तव। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्टडी IQ प्रोवाइड करता है आपको EPFO का क्रैश कोर्स, तो अगर आपको अपने कोर्स को कवर अप करना है लिमिटेड टाइम में तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, और इस कोर्स में आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एज वी ऑल नो कि टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम ऑलमोस्ट इज ऑन द हेड, सो कम टाइम में कम्प्रिहेंसिव तरीके से रेलिवेंट सिलेबस पढ़ने के लिए आप हमारा EPFO का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ये क्रैश कोर्स आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट में अगर आप यूज़ करेंगे प्रोमो कोड श्री लाइव। तो जैसे ही आप प्रोमो कोड श्री लाइव यूज़ करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 3999 रुपये में। सो हरी अप, डो नॉट वेस्ट योर टाइम, एंड इफ यू वॉन्ट टू रियली टारगेट द एग्जामिनेशन आई वुड से यू कैन कम्प्लीट द एंटायर सिलेबस विद इन द लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप कवर अप कर सकते हैं अपने सिलेबस को. दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड इन टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टडी IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.